मौसम तो ठंड का है लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल गर्म है। जिंदाबाद। एक तरफ एक अपुष्ट सूचना आ रही है कि विधि संकाय की जितने भी वार्डन हैं उन्होंने इस्तीफा दे दी, इसकी अपुष्ट सूचना है। वहीं हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में छात्र यहां पे चीफ प्रोक्टोरियर हटाओ बीएचयू बचाओ के एक बहुत ही बड़ा सा बैनर लगाया, उसके साथ ही अयोग्य भ्रष्ट एवं तानाशाह चीफ प्रोक्टर के खिलाफ अनिश्चितकालीन छात्र धरने पर बैठ गए। यहाँ विभिन्न तरह के पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें उन्होंने खास बात लिखी अब तक 172। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे ये क्या है और इनकी ये मांग कब तक मान ली जाएगी, कब तक ये धरने पे रहेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम तिवारी है। तुम क्या मांगे, आप लोग कहाँ बैठे हैं? जी हमारी मांग यही है कि यह विश्वविद्यालय साल भर से मातृसत्तात्मक महिलाओं को उत्थान के लिए रोहिणा मैम के हाथों में सौंपा गया कि आप मुख्य सुरक्षा अधिकारी बने, लेकिन यहाँ सुरक्षा के नाम पर केवल लिपापोती है। आए दिन यहाँ तस्करी हो रही है मोरों की, यहाँ जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश का चंदन की लकड़ी चोरी हो जा रही है, आए दिन मारपीट हो रहे हैं। इसके खिलाफ विश्वविद्यालय की जो गरिमा भंग हो रही है, जो महामना के संकल्प थे वह साकार नहीं हो रहा, इसके खिलाफ आज हम सभी संकाय के छात्रगण, सभी दल के छात्रगण यहाँ लामबंद होकर के हम बैठे हुए हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन चीफ प्रैक्टर को यहाँ से हटाएंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो जब तक खून का कतरा हम सभी छात्रों के शरीर में रहेगा तब तक हम लड़ेंगे, और अभी हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना की है, आगे हम अमरण अनशन भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अपने को आत्मदाह भी करेंगे। आपने देखा कि छात्रों ने ये साफ कहा है कि जब तक चीफ प्रॉक्टर नहीं हटाए जाएंगे हम इसी तरह अनशन पे बैठे रहेंगे, आगे अपने आंदोलन को और ही उग्र करेंगे। इसके साथ ही अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करें तो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि कुछ वार्डनों ने अपना इस्तीफा दे दिया जिसकी अपुष्ट सूचना है, तो पूरे विश्वविद्यालय का जो इस समय माहौल है वो बहुत ही गर्म है। इस पूरे घटने पर छात्र भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, इतनी ठंड है लेकिन माहौल बीएचयू का गर्म है। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय ईटीवी।